तो मान लिया ये कुछ वी वेलोसिटीज है रिमूव कर रहे हैं इनिशियली द बैरल द बैरल ऑफ द गन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल तो ये है जो एंगल है ये अल्फा है ठीक है अ शेल ऑफ मास एम लीव्स द बैरल एट अ स्पीड वी रिलेटिव टू द बैरल तो जो एक शेल जो फायर हुआ वो वी रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करेगा इस बैरल से द स्पीड ऑफ द फ्लैट कार सो दैट इट मे स्टॉप आफ्टर तो मेरे को वी की वेलोसिटी चाहिए ओ, oh, मेरे को स्पीड ऑफ द फ्लैट कार चाहिए जिससे यानी कि इस वी की वैल्यू चाहिए तो इस वी को मैं पहले बोल देता हूँ अच्छा कैपिटल वी है तो और ये स्मॉल वी है तो मेरे को कैपिटल वी की चाहिए वैल्यू जिससे ये जो हमारा फ्लैट कार है वो रुक जाए ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे हॉर्जोटल डायरेक्शन में मैं लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा ठीक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा तो जो इनिशियली इसका मोमेंटम है वो क्या है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम शेल भी रखा हुआ है इन टू v और जो फाइनल मोमेंटम है देखिए ये इसकी जो स्पीड है ठीक है m मास की वो तो होगी जीरो और जो मेरा शेल है वो किस स्पीड से निकल गया एम वी सॉरी प्लस एम वी इंटू कॉस अल्फा ठीक है स्मॉल v नॉट कैपिटल v, v तो मेरे को कैपिटल v की वैल्यू कैलकुलेट रिटर्न नहीं हो तो वो कितनी आ जाएगी स्मॉल v कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई एम प्लस एम कितनी स्पीड होनी चाहिए मेरे रेल रोट कार्ड की जिससे ये रुक जाए